हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है HCF एंड LCM, यानी महत्तम समापवर्तक एंड लघुत्तम समापवर्तक, जिसमें यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में HCF और LCM के क्वेश्चन मेरे दोस्तों बनते हैं। तो HCF और LCM के जितने भी क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं उसको मैं कवर कराऊंगा, जिसमें आज मेरा HCF और LCM का पार्ट वन है, बिल्कुल बेसिक से दोस्तों पढ़ाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा मेरा पूरा वीडियो, 100% समझ में आएगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं HCF और LCM बिल्कुल बेसिक से। मान लीजिए दोस्तों, दो संख्याएं दो और चार मैंने ले लिया, दो संख्या है दो और चार मैंने ले लिया, तो दो को अगर हम फैक्टर करते हैं तो दो गुणे एक लिख सकते हैं, नहीं, और चार को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो। सो दोस्तों, अगर हमको HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? HCF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों, मैंने 2 और 4 का फैक्टर किया, 2 गुणे 1 2 का फैक्टर हो गया, 4 का फैक्टर 2 गुणे 2। अब हमको HCF निकालना है, तो दोस्तों क्या करना है, देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में कॉमन हमारा क्या है, 2 केवल कॉमन है दोनों में, एक लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं, लिखे या ना लिखे, ओके दोस्तों। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। तो इस तरह हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2। HCF हो जाएगा 2। इसी भी आप पर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए अगर एक ले लिया जाए कि 8 और 12 ले लिया जाए, पूछा जाए कि 8 और 12 का HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे, तो 8 का फैक्टर करेंगे यानी 8 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 12 का फैक्टर करेंगे क्या, यानी 12 का हम गुणनखंड करते हैं क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब दोस्तों देखेंगे कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, 2 गुणे 2 इसमें भी है, 2 गुणे 2 इसमें भी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 मीन्स 4। इस तरह हमने देखा दोस्तों, 8 और 12 का HCF 4 हो गया। इसी भी आप पर मान लीजिए, यहां पर तो मैंने देखा 2 अंक के HCF, अब 3 अंक मान लीजिए आ जाए तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई अंक दिया हो आपका 12 दे दिया है और 15 दे दिया है और 18 दे दिया है, पूछे कि 12 15 और 18 का HCF क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इन लोग इसका फैक्टर कर देना, तो हम 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, अब 15 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 18 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे 2। अब दोस्तों देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या है, तो देख रहे हैं दोस्तों इन तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 कॉमन है दोस्तों, इसमें भी 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, और कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीनों में मेरा कॉमन केवल 3 है, तो HCF क्या हो जाएगा, केवल 3। इस तरह मैंने देखा दोस्तों, 12 15 और 18 का HCF 3 हो जाएगा। इसको आप फैक्टर करके भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी, मान लीजिए 12 15 18 दे दिया, तो 12 15 और 18 दे दिया है, तो सबसे पहले आपको माइंड में सेटअप ये करना है कि किसके मल्टीपल में ये तीनों आते हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि 3 के मल्टीपल में तीनों आते हैं, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं कुछ कॉमन है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं मिलेगा, तो इस तरह HCF 3 हो जाएगा। चाहे इस तरीके से निकालिए या फैक्टर करके निकालिए, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। इस तरह मैंने बताया दोस्तों HCF। अब हम देखते हैं कि LCM क्या होता है। मान लीजिए LCM के क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसको कैसे, LCM आप बताएंगे कि दोस्तों LCM क्या होता है। LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट
कॉमन मल्टीपल दोस्तों, ये होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया चार और छह, इसका आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले चार का फैक्टर करेंगे, चार को हम दो गुणे दो लिख सकते हैं ना दोस्तों, तो दो गुणे दो मैंने लिख दिया। अब छह को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुणे तीन। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, दोनों में कॉमन केवल दो है, तो दो मैंने लिख लिया दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, दो के अलावा और कुछ कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है, तो जितने भी अंक बचेंगे उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दे, यानी यहाँ पर दो, यहाँ से तीन, तो दो गुणे तीन। अब देखिए दो दूना चार तीन बारह, इस तरह मैंने देखा दोस्तों कि चार और छह का एलसीएम 12 हो गया। इसी भी यहाँ पर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया कि छह और पंद्रह मैंने ले लिया। अब अगर पूछा जाए कि छह और पंद्रह का एलसीएम क्या होगा, तो छह और पंद्रह का एलसीएम क्या होगा, पहले छह का फैक्टर करेंगे तो दो बुढ़े तीन लिख दिया, पंद्रह का फैक्टर करेंगे तीन बुढ़े पांच मेरे दोस्तों। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तीन, तो तीन मैंने नोट कर दिया। और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या बच रहे हैं, इधर दो बच रहा है तो यहाँ पर दो नोट कर लेंगे, इधर क्या बच रहा है पांच, तो यहाँ पांच नोट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे तो तीन दोनों छह पच्चे तीस। इस तरह देखा मैंने दोस्तों कि छह और पंद्रह का एलसीएम 30 हो गया। इसी भी पर मान लीजिए यहाँ तो मैंने बताया दो अंक का, अगर तीन अंक दिए हो उसका एलसीएम पूछे तो क्या करेंगे, मान लीजिए 12 दे दिया हो, 15 दे दिया हो और 20 दे दिया हो, पूछे इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो सिंपल साफ कर सकते हैं इसको, देखिए ऐसे 15 लिख लीजिए, सॉरी 12 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए और 20 लिख लीजिए। अब इसका फैक्टर करिए, तो दो से काटेंगे तो दो छक्का 12, 15 नहीं करेंगे तो 15 ऐसे ही नोट कर देंगे, फिर 20 को दो जाए 20, फिर दो से लेंगे तो दो तीन छह, 15 नहीं कटेगा तो 15 ऐसे नोट कर देंगे, फिर दो पचे 10, फिर यहाँ पर दो से कुछ कटने वाला है नहीं तो क्या लेंगे तीन, तो तीन एकम तीन, तीन पचे 15, फिर पांच ऐसे ही नोट कर देंगे। अब किससे काटेंगे, पांच से, तो पांच एक एक एक। अब इन सारे अंक का आपस में मल्टीपल करा दिए, दो गुणे तीन गुणे पांच, यानी क्या हो जाएगा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, दो गुणे तीन गुणे पांच, यानी क्या हो जाएगा, दो दूना चार के 12 पच्चे 60। इस तरह देखा मैंने दोस्तों 12 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये तो मैंने बताया एलसीएम और एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट और उसके कुछ एग्जाम्पल। इसी भी आप पर एक फार्मूला आपका बनता है मेरे दोस्तों, उसको देखिए, एक फार्मूला का बनता है कि एलसीएम गुणे एच, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणे होता है आपका सेकेंड नंबर। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि चार और छह दो संख्याएं हैं, मतलब चार आपकी पहली संख्या है, छह आपकी दूसरी संख्या है, इसमें पूछा जाए एचसीएफ क्या होगा, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन आपको क्या मिलेगा, इसको अगर लिखे तो दो गुणे दो हम लिख सकते हैं, और इसको लिखे तो क्या, दो गुणे तीन, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दो, तो दो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम पूछा जाए तो क्या होगा आपका दोस्तों, अगर एलसीएम इसी का पूछा जाए चार और छह का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दो, तो दो मैंने नोट कर लिया। और क्या बच रहे हैं, इसमें दो बच रहा है, इसमें तीन बच रहा है, तो उसको भी नोट कर दिए, दो गुणे तीन। इस तरह मैंने देखा दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा, दो दूना चार दिया 12। अब इस फार्मूले को सेटिस्फाई कराइए, तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम और एचसीएम, एलसीएम का मान कितना है 12, तो 12 गुणे एचसीएफ का मान कितना है 2, तो 2। अब देखिए पहली संख्या क्या है आपका, चार गुणे छह, इस तरह दोनों साइड देखिए इक्वल हो गया, तो इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, हिंदी में बोले तो
लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस पे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बताता हूं कि इस फार्मूले पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको दे दिया रहेगा कि यदि एलसीएम आपका 12 है, एलसीएम आपका 12 है और एचसीएफ आपका 6 है, तो बताइए एलसीएम आपका 12 है, एचसीएफ 6 है, यदि फर्स्ट नंबर आपका 8 है तो सेकेंड नंबर बताइए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन इस पे आते हैं दोस्तों, इस फार्मूले पर एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यदि एलसीएम आपका 12 है, एचसीएफ 6 है, यदि पहला नंबर 8 दिया है तो सेकेंड नंबर बताइए। तो इसी फार्मूले पर रख दीजिए, एलसीएम का मान कितना है 12 गुणे एचसीएफ का मान कितना है 6, फर्स्ट नंबर कितना दिया 8 गुणे सेकेंड नंबर नहीं दिया है तो सेकेंड नंबर मान लीजिए कि एक्स दिया है, सेकेंड नंबर मैंने मान लिया एक्स, तो यहाँ पर एक्स रख दिया। अब काटिए तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 गुणे 6 बटे 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 तिया 6, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। इस तरह मैंने निकाला दोस्तों कि जो मेरा सेकेंड नंबर है जिसको मैंने x माना था उसकी वैल्यू 9 आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर से। ओके दोस्तों, अब हम आगे बताते हैं आपको, अगर फ्रैक्शन में कोई आ जाए, कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे मान लीजिए दे दिया रहे 2/3, 4/6 और 5/2, बोला जाए कि 2/3, 4/6, 5/2 का आप एलसीएम या एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं किसी भी फ्रैक्शन नंबर का। जैसे होता है आपका फार्मूला कि भिन्नों का मौसम बराबर होता है अंशों का मौसम डिवाइडेड बाय होता है हरों का लॉसम। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अंश इसमें क्या क्या है, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 का आप मौसम निकालेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों 2, 4 और 5 में आप मौसम देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, केवल एक मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको 2 नहीं मिलेगा। इस तरीके से 2, 4 और 5 का मौसम क्या हो जाएगा, केवल एक, तो एक यहाँ पर नोट कर देना है। अब निकालना है हरों का लॉसम, यानी 3, 6 और 2 का लॉसम निकालना है, तो 3, 6 और 2 का लॉसम निकालना है। तो अब देख लीजिए 3, 6 और 2 का, वैसे भी सिंपल ही कर सकते 6 होगा, अगर नहीं समझ में आता तो आप निकाल सकते हैं कि 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 फिर 3 से इस तरीके देखा 2 × 3 = 6। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का अगर फ्रैक्शन में दिया अभी कोई नंबर, तो उसको आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि भिन्नों का मौसम बराबर अंश का मौसम, मतलब अंशों का मौसम डिवाइडेड बाय हरों का लॉस। इसी पे आप पर मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी फार्मूले पर, तो उसको देखिए कैसे करेंगे आप। मान लीजिए यही आपका है, मान लीजिए दे दिया रहे क्वेश्चन कि आप बताइए कि 12/15, 8/16 और 3/5 इसका आप मौसम बताइए। तो इसी फार्मूले में रखिए, पहले क्या करना, अंशों का मौसम, यानी पहले 12, 8 और 3 का मौसम निकालना है। सो दोस्तों हम देख रहे हैं कि 12, 8 और 3 में मौसम क्या होगा, केवल एक होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी आप 2 पा जाएंगे, यहाँ पर भी 2 पा जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हम देख सकते हैं कि 12, 8 और 3 का मौसम क्या हो जाएगा, एक, तो एक ऊपर रख देंगे डिवाइडेड बाय। अब लिखा है हरों का लॉसर, यानी 15, 16 और 5 का आप लॉसर निकालेंगे, तो 15, 16 और 5 का आप लॉसर निकालेंगे, तो इसको फैक्टर भी कर लीजिए, तो हो जाएगा 2, 15 यहाँ नोट कर देंगे, 2 × 8 = 16, फिर 5 फिर करेंगे 2, 15 नोट कर देंगे, 2 × 4 = 8, फिर 5 नोट कर देंगे, फिर 2 × 15 नोट कर देंगे, फिर 4 यहाँ पर नोट कर देंगे, सॉरी 2×2 = 4 नोट कर देंगे, फिर यहाँ पर 5 नोट कर देंगे, फिर दोस्तों फिर 2 से देखेंगे तो
यहाँ पर हो जाएगा 15, 2 × 2 = 5। तो अब यहाँ पर फिर कर लेंगे 5 × 3 = 15, फिर 1 × 5 = 5। तो नीचे भी 1 3 से 1 पूरा कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 × 4 × 8 × 16, 16 × 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 3। इस तरीके से देखा मैंने दोस्तों, 1/2 कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कराइए, 2 × 4 × 8 × 16 = 85, 8 × 3 = 24, 240। इस तरीके से मैंने देखा दोस्तों कि 12/15, 8/16, 3/5 का मसा निकल गया 1/240। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 है, मैंने 5 से काटा हूं, तो 5 × 15 = 1, 1। अब यहाँ 3 बचा था ना दोस्तों, तो इसके नीचे 1 1 कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए इसी भैया पर कोई डेसिमल यानी दशमलव में कोई क्वेश्चन आ जाए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन यदि दशमलव में आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले को मैं ऊपर नोट कर देता हूं। जैसे कि इस फार्मूले को मैंने इस साइड में नोट कर दिया कि भिन्नों का मौसम क्या लिखा था, भिन्नों का मौसम बराबर क्या होता है, अंशों का मौसम डिवाइडेड बाय क्या होता है, हरों का लसर। ओके दोस्तों, मान लीजिए कोई दशमलव में कोई संख्या दे दी रहे, उसका पूछे कि आप बताइए क्या होगा मौसम, उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक नंबर मैं ले लेता हूं कि 0.6 और 9.6 और 0.9 का, आप बताइए HCF क्या होगा। तो इसी फार्मूले से आप एकदम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों कि HCF हमको निकालना है, तो सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे हैं कि तीनों में हमारा कितने पॉइंट, कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 अंक पे दशमलव लगा है। तीनों में हम देख रहे हैं 1 अंक पे दशमलव लगा है, यहाँ पर भी 1 अंक पे लगा है, यहाँ पर भी 1 अंक पे, यहाँ पर भी। तो क्या करेंगे, सब में 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे, यानी 0.6 × 10/10, 9.6 × 10/10, और फिर 0.9 × 10/10। अब देखिए, अब सॉल्व कर दिए तो 6/10 यहाँ पर हो जाएगा आपका, 96/10 यहाँ पर हो जाएगा आपका, और 9/10 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इस फार्मूले से आप सिंपल से निकाल सकते हैं कि नहीं। अब आपको HCF निकालना है, तो सबसे पहले अंशों का मौसम यानी 6, 96 और 9 का मौसम निकालना है। तो 6, 96 और 9 का मौसम निकाल लीजिए, 6, 96 और 9 का मौसम निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि तीनों में कॉमन क्या ले सकते हैं हम, तो पहले हम लेते हैं 3 से, क्योंकि 3 × 6, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, फिर 3 × 3 = 9। और कुछ कॉमन है दोस्तों, और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं पाएंगे। इस तरीके से हमारा 6, 96 और 9 का मौसम क्या हो जाएगा, 3। तो ऊपर हो जाएगा आपका 3/3। अब निकालना है हरों का लसर यानी 10, 10 और 10, 10 और 10, सारे 10 10 है, तो लसर क्या हो जाएगा, केवल 10। इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि 0.6, 9.6, 0.9 का लसर 3/10 हो गया। एक क्वेश्चन इसी पे और बता दे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दो दशमलव में उसका कैसे HCF निकालते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसका, मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहा है कि 1.4 और 1.8 और 0.8 का आप बता दीजिए HCF क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, देखना है कि कितने अंक पे दशमलव लगा है तीनों में। तो तीनों में हम देख रहे हैं 1 1 अंक पे दशमलव लगा है, तो क्या होगा, 10 से गुणा और 10 से भाग कर दीजिए, तो डायरेक्ट करिए 14/10 यहाँ पर हो जाएगा, 18/10 यहाँ पर हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों इसी फार्मूले पर रख दीजिए, पहले क्या करना है, अंशों का मौसम, अंश का मौसम क्या होगा, 14, 18 और 8, 14, 18 और 8 में हम देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है, 14, 18 और 8 तीनों में। सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए, तो 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, फिर 2 × 4 = 8। और कुछ कॉमन है दोस्तों, और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4, तीनों में कुछ भी कॉमन हम नहीं पा सकते, तो मौसा क्या हो जाएगा, केवल 2। तो 2 ऊपर नोट कर लिया। अब हरों का लॉस, तो हर सारे के सेम है, तो मौसा क्या हो जाएगा, 10।
इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2/10 इसको आप फैक्टर भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1/5 यानी 0.2। ओके दोस्तों, अब देखिए मान लीजिए इससे भी बड़ा नंबर आ जाए, यहाँ पर तो मैंने देखा एक अंक पर दशमलव लगा है, अब मान लीजिए 2 अंक पर लगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताता हूँ। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 0.16 और 0.12 और 0.02 का आप एचसीएफ बता दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि तीनों में मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा है, तो देख रहे हैं तीनों में इसमें भी 2 अंक पे, इसमें भी 2 अंक पे, इसमें भी 2 अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव है, तो क्या करेंगे 100 से गुणा भी करेंगे या 100 से भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी क्या 16/100 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 12/100 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2/100। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर बनाना है, पहले अंशों का मौसा निकालना है, यानी 16, 12 और 2 का मौसा क्या आ जाएगा, केवल 2, क्योंकि 2 कॉमन है सब में, 2 इसमें भी मिल जाएगा, 2 इसमें भी। अब निकालना है हरों का लॉसा, सब में 100 है तो 100 कर दीजिए। इस तरीके से देखा मैंने दोस्तों 0.16, 0.12, 0.02 का लॉसा 2/100 हो गया। अब इसी भी आप पर मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि अंशों का भिन्नों का मौसा कैसे निकालते हैं, इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि भिन्नों का लसा कैसे निकालेंगे, उसको मैं बताता हूं। वो देखिए, देखिए भिन्नों का लसा, भिन्नों का लसा का फार्मूला होता है भिन्नों का लसा, भिन्नों का लसा होता है आपका अंशों का लसा, अंशों का लसा डिवाइडेड बाय होता है हरों का मौसम, हरों का मौसम। एक चीज देखिए दोस्तों कॉमन है, अगर भिन्नों का लसा पूछता है तो ऊपर लसा यानी ऊपर वाले अंगों का पहले लसा निकालेंगे, यानी अंशों का लसा निकालेंगे फिर हरों का मौसम। इसी तरह मैंने इसके पहले बताया, अगर भिन्नों का मौसम पूछता था तो पहले मौसम फिर लसा, इस तरीके से आप माइंड। इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि 5/6 और 2/4 और 7/2 का आप लसा बताइए, तो सबसे पहले इसी फार्मूले पुट अप कर दीजिए, भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा डिवाइडेड बाय हरों का मौसा, पहले अंश का लसा निकालेंगे तो 5, 2 और 7 का लसा क्या होगा, 5, 2 और 7 सारे नंबर अलग अलग है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो सीधे गुणा करें 5, 2, 10, 7, 70, तो 70 डिवाइडेड बाय हरों का मौसा, तो हर का मौसा कितना आएगा, देखिए इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2/2 यानी कितना हो जाएगा 35। इस तरह मैंने देखा दोस्तों कि 5/6, 2/4, 7/2 का लसा 35 हो गया। मान लीजिए बड़ा नंबर कोई आ जाए तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि 18/5 और 6/15 और 5/20 पूछे भिन्नों का लसा क्या होगा, तो सबसे पहले क्या निकालना है अंशों का लसा, तो सबसे पहले 18, 6 और 5 का लसा निकालेंगे, 18, 6 और 5 का लसा निकालेंगे, 2 से काटिए, 2, 9, 18, 2, 3, 6, 5, अब देखिए 2 से कैंसिल होने वाला नहीं है, फिर 3 को लेंगे, 3, 3 का 9, 3, 1, 3, फिर 5, फिर 3 से लेंगे, 3, 1, 3, 1, 5, फिर 5 से 1, 1, 1, तो इस तरीके से मैंने देखा कि लसा हमारा आ गया 2, 3, 6, 3, 18, 25, 90, तो 90/ हरों का मौसा, यानी फिर 5, 15 और 20 का मौसा निकालना है, तो 5, 15 और 20 का मौसा क्या होगा, इसमें भी 5 कॉमन है आपका, इसमें भी 5 कॉमन है आपका, इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5/5 तो कितना हो जाएगा 18। इस तरीके से देखा आपने दोस्तों 18/5, 6/15, 5/20 का लसा 18 हो गया। मान लीजिए इसी में आ जाए दशमलव वाले क्वेश्चन और पूछा जाए कि लॉसा क्या होगा, तो इसी फार्मूले को उसको भी लगा सकते हैं दोस्तों आसान तरीके से। मान लीजिए बोला जाए कि 1.4 और 1.2 और 1.8 का लॉसा बताइए, एलसीएम बताइए,
तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि इन तीनों में कितने अंक पे दशमलव लगा है। तो यहाँ पर एक अंक पे इसमें भी दशमलव है, एक अंक इसमें भी एक अंक पे। तो सबसे पहले 10 से गुणा भी करेंगे और 10 से भाग करेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो 14 बटे भाग 10 हो जाएगा। इसमें भी 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो 12 बटे 10 हो जाएगा। इसमें भी 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे तो 18 बटे 10 हो जाएगा। अब फार्मूले पर रख दीजिए, पहले अंशों का लसा निकाला। तो सबसे पहले 14, 12 और 18 का लसा निकालिए। तो 14, 12 और 18 का लसा निकालिए। तो 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 9 18। अब 2 से कैंसिल होने वाला नहीं है तो 2 7, 2 3 6, फिर 9। फिर 3 से देखेंगे, 3 1 3, 3 3 9, फिर 7। फिर 3 से देखेंगे, 3 1 3 1 7, फिर 7 1 7, 1 1 1। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 2 4, 3 12, 3 36, 36 × 7 तो हो जाएगा आपका 36 × 7। अब निकालना है आपको क्या, हरों का मौसम। अब सबका मौसम 10 10 है तो 10 हो जाएगा नीचे। अब गुणा करा दी तो 7 6 42 को 2 हासिल कितने बचे, 4। 7 3 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25। तो 252/10 यानी एक अंक पर दशमलव लग जाए तो 25.2। इस तरीके से देखा दोस्तों कि 1.4, 1.2, 1.8 का लसर 25.2 निकाल सकते हैं एक सिंपल तरीके से। इसी भी आप मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दशमलव वाले, उसको मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि 1.44 और 1.2 और आ जाए 1.44, 1.2 और आ जाए 0.06। अब पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखना है कि कितने नंबर पे मैक्सिमम डेसिमल है। तो देख रहे हैं मैक्सिमम हमारा 0.2 अंक पे लगा है। तो किससे, 100 से गुणा भी करेंगे और 100 से भाग। इन तीनों अंक में 100 से गुणा भी करेंगे, 100 से भाग भी करेंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा और भाग में आ जाएगा 100। इसमें जब 100 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 1.2 है तो इसमें भी 100 से गुणा करेंगे और 100 से भाग करेंगे तो देखिए क्या होगा, 120 बटे क्या हो जाएगा, 100। इसमें जब 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे तो 6/100 हो जाएगा। फिर से प्रोसीजर बनाना है, पहले अंशों का लसा निकालना है। तो पहले 144, 120 और 6 का लसा निकालिए। 144, 120 और 6 का लसा निकालिए। सबसे पहले देख लेंगे हम 6 से कट रहे हैं तो 6 × 12, 6 × 24, 6 × 12, फिर 6 × 6, फिर आप देख रहे हैं 4 से भी कट रहा है तो 4 6 24, 4 5 20, फिर आप 5 से काट लीजिए, 5 1 5, 1 6, फिर 6 से काट लीजिए, 6 6 1 1। अब गुणा कराइए, 6 × 4 × 5 × 6, तो क्या लिखेंगे, 6 × 4 × 5 × 6। और नीचे क्या आ जाएगा, हरों का मौसम यानी सबके हर समान है तो हर का मौसम क्या आ जाएगा, 100। अब गुणा करा लीजिए तो 6 6 24 × 5 6 30, नीचे 100 है। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, 24 का गुणा 3 में करेंगे तो 72/10 यानी क्या आ जाएगा, 7.2। इस तरीके से देखा मैंने दोस्तों, किसी भी दशमलव में आए, फ्रैक्शन में आए, किसी भी या दशमलव में आए या फ्रैक्शन में आए, किसी भी नंबर का आप इस फार्मूले के तरीके से आप निकाल सकते हैं, लसा हो या मसा। इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूले और उसके कुछ क्वेश्चन। सो दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 2 कल मेरा आएगा। दोस्तों मैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लसा और मसा से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।